एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ कि इंटरव्यू के हवाले से। समटाइम ऐसे होता है कि सवाल जब कुछ हो रहे होते हैं और लोग जो होते हैं वो जवाब कुछ छोड़ दे रहे होते हैं, तो इस हवाले से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसे मिस मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, जो इंटरव्यू के हवाले से है आपके लिए बेस्ट है। अब बस टाइम ये होता है कि आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे आपसे बोलते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप बताते हैं कि मेरी फैमिली में ये है, मेरा नाम ये है, मेरी फैमिली में ये है, मेरे इतने बहन भाई है, बहन इतनी शादीशुदा है या इतने बच्चे हैं, भाई शादीशुदा है उसके बच्चे है। आपने ये बिल्कुल नहीं बताना, आपने जिस तरह बताना है कि आपका नाम ये है और आप कहाँ से है, अपनी बस डिटेल देनी है, पूरी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम ऐसे होता है कि उसके अलावा अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाए, उस पर आपने ऐसे करना है कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सीवी आप अपनी लाजमी लेकर जाए, सीवी मस्ट आपने लेके जानी है अपने लिए अपने साथ। तो वह जाके आपसे सवाल जवाब हो गए, सवाल जवाब आपने ऐसे करने हैं, ईजी हो गए, टेंशन फ्री हो गए, आपने ये नहीं करना है। थोड़े से भी नर्वस हो गए तो मसला ख़राब हो जाता। वो कहते हैं जी अब बाई चांस आप सेलेक्ट हो जाते हो, उधर जाके आप वो आपसे पूछते हैं कि हम आपको जॉब क्यों दें। तो आपने सिंपल हाल है उन्हें ये बताना है कि आपकी कंपनी के जो जो रूल है वो हम मुकम्मल फॉलो करेंगे और डिसिप्लिन करेंगे, और सैलरी का आपने उनके साथ मुकालबा इतनी जल्दी नहीं करना। यानी कि मिसाल के तौर पे वो कहते हैं आप बताइए जी हमें, हम आपको सैलरी कितनी दें, क्योंकि दुबई में अक्सर मेरे दोस्त लोग लेते रहते हैं इंटरव्यू, तो उसी सिलसिले में जो है ना मैं वीडियो बना लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इस पर ये ऐसे होता है कि आपने ये नहीं करना कि मेरी भाई 4,000 लगा दो, 6,000 लगा दो। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर तो वेल एंड गुड है, किधर भी आपको मिल जाएगी। अगर आप फ्रेशर हो तो उसके लिए आपको वीडियो लाजमी वाच करो, और उस पर ये आपने करना है कि जितनी आपकी समझ में आती है मेरी सैलरी लगा दें। क्योंकि शुरू शुरू में बहस करोगे तो बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, अगला बंदा देखता है यार मैंने तो इसकी 2,000 लगानी थी और ये 4,000 का रहा था, चलो यार भाई मैं आपको सोच समझ के बताऊँगा। उस पर ये होता है फिर आप इंतज़ार करते रहते हो, अगला बंदा आपको कोई रिप्लाई नहीं करता, ये सारा हिसाब होता है इसका। तो मेरी वीडियो फुल वॉच करिएगा और इस पर मुकम्मल डिटेल जो है वो मैं आपको बताता रहूँगा। मैं ये वीडियो लेकर आया था दुबई के रूल के मुताबिक, क्योंकि दुबई के रूल जो है वो काफ़ी टफ भी है और काफ़ी अच्छे भी है। उस पर ये होता है कि एजेंट के थ्रू अगर आप जाते हो इंटरव्यू लो दो वो बेस्ट है, अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो वो उसने बताना है कि आपकी जाते साथ ही जो सैलरी है वो कम से कम 3,000-4,000 लगेगी, पर सब झूठ होता है। वो जाते साथ ही ये हिसाब होता है कि आपकी सैलरी लगती है 700 दरम, और ऊपर से मज़े की बात है वो लोग कहते हैं कि खाना आपको ऐसा मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और खाना वाकई ऐसा मिलता है कि आपने सोचा भी नहीं होता। उस पर ये बेनिफिट होता है कि एक बंदे ने बनाई हुई है चने की दाल, एक ने बनाई है माश की दाल, एक ने बनाया हुआ है चिकन, एक ने बनाया हुआ है कीमा, तो सब बीच में ऐड हो जाता है। तो पाकिस्तान में तो हम लोगों ने ऐसा कभी खाना खाया ही नहीं, दुबई में ये भी हिसाब होता है। उसके बाद मेन बेनिफिट दुबई में ये मिलता है कि रमज़ान में आपको घर खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये होता है कि सहरी टाइम जो होता है सहरी आप करते हो, अफ्तारी टाइम पे मस्जिद भी जा सकते हो, वीआईपी प्रोटोकॉल होता है। बेसिकली मैं खुद भी दुबई रह कर आया हुआ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है मुझे दुबई की, और मेरे दोस्त लोग भी जो है वो इंटरव्यू लेते रहते हैं तो कुछ मालूमात मज़ीद मिलती रहती है। तो ऐसे बस करने लगे हुए अल्लाह का शुक्र है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर जाना है ना तो आपने ये नहीं करना भाई मुझे 700 दरम में ले जाओ, भाई मुझे 500 दरम में ले जाओ, नहीं, क्योंकि अभी दुबई में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। तो अगर आपने जाने का मूड भी है अगर आपका, तो आपने जो है ना कम से कम भी
2000 दरम से ऊपर के लिए अप्लाई करना है, अगर 2000 नीचे से हुई तो फिर ना जाना, क्योंकि मसला ख़राब ये होता है कि अगर आपने कर दिया चले गए 1500 रुपये में, तकरीबन खा पी के आपका खर्च आता है तकरीबन 700-800 रुपया, तो पीछे 700 रुपया बचता, उससे अच्छा बेटा पाकिस्तान में कमा लेते हो। तो इसलिए सब भाइयों से मेरा मशवरा यही है कि इंटरव्यू दे, मेरी वीडियो लाजमी वाच करें, इस पर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। ओके, फिर खुदा हाफिज़।